हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगा किनारे में। रस औषधि निर्माण की श्रृंखला में आज हम शिलाजीतों का शोधन करेंगे। शिलाजीतों को हिंदी भाषा में शिलाजीत और अंग्रेजी में ब्लैक विटामिन कहते हैं। इसके जो तपती स्थान है हिमालय पर्वत है और क्षारीय भूमि में सूर्य के तीव्र ताप से स्वर्ण आदि खनिजों से युक्त हिमालय पर्वत की तलहटी से स्थित होकर शिलाजीत प्राप्त होता है। शिलाजीत दो प्रकार का होता है, पहला गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, जो कि रस ग्रंथों में बताया गया है। और आचार्य चरक ने चरक संहिता में शिलाजीत चार प्रकार का बताया है, स्वर्ण गर्भ, रजत गर्भ, ताम्र गर्भ, लौह गर्भ। शिलाजीत की जो परीक्षा होती है कि कौन सा शिलाजीत शुद्ध अच्छा है, तो शुद्ध शिलाजीत को आग पर जलाने से बिना धुएं के जलता है और जलकर लिंगाकार आकृति बन जाती है। इसका श्लोक का रेफरेंस आया है, रस रत्न समुच्चय में वहिन्नो क्षिप्तम भवेद तल लिंगाकारम धूमकम सलिले अप्यविलीनम च तच्च शुद्रम ही शिलाजीतो। अध्याय रस रत्न समुच्चय अध्याय दो। शिलाजीतों का शोधन दो विधि से किया जाता है। पहला सूर्य तापी विधि, शिलाजीतों शोधनार्थ त्रिफला क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में शिलाजीतों को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं। फिर छानने के बाद सूर्य की धूप में सुखाकर गाढ़ा कर लेते हैं, अतः इसे सूर्य तापी शिलाजीत कहते हैं। तो जो हम कर रहे हैं यह है अग्नितापी विधि। यह इसमें पहले हमें 250 ग्राम त्रिफला लेना है और उसका 16 गुने जल में अच्छे से पका लेना है, क्वाथ बना लेना है। जो 500 ml हमें त्रिफला क्वाथ लेना है और उसमें शिलाजीत को मिक्स करना है और फिर अगली रात्रि के लिए हमें छोड़ देना है। फिर उससे जो शिलाजीत का जो पार्ट आया शुद्ध शिलाजीत वाला वो ऊपर आएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं उसमें नीचे चली जाएंगे क्वाथ में। तो जो हम ये विधि कर रहे हैं, त्रिफला क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में शिलाजीत को घोलकर कपड़े से छान लेते हैं, फिर वस्त्रकालित द्रव को मंदाग्नि पर धीरे धीरे गर्म करके गाढ़ा कर लेते हैं। अतः अग्नि पर गर्म होने से इसे अग्नितापी शिलाजीत कहते हैं। शिलाजीत का जो मात्रा है, दो रत्ती से आठ रत्ती तक शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने इसको एक कर्ष, आधा पल या एक पल भी बताया है। शिलाजीत की जो अनुपान है, दुग्ध, तक्र, मांस रस, यूस, जल, गोमूत्र एवं विविध रोग हर्ष स्वरस एवं क्वाथ आदि के अनुपान से शिलाजीतों का सेवन करना चाहिए। हम बात करेंगे कि शिलाजीतों का किस किस रोग में प्रयोग किया जाता है। तो जरा व्याधि प्रश्मन में, मेधा स्मृति वर्धक है, बल्य है, मेदोहर में, मूत्र रोग नाशक है, यक्ष्मा नाशक है, वली पलित नाशक है, त्वक रोग में, आम पाचक में, कफ रोग हर में, अग्निमांड्य में, पांडु रोग में, अश्मरी में, प्लीहा, गुल्म, प्रमेह में किया जाता है प्रयोग। इसका जो प्रमुख योग है, आरोग्यवर्धनी वटी में, चंद्र प्रभा वटी, शिलाजीत्वादि लोह, शिवागुटिका में इसका प्रमुख योग है, शिलाजीत्वादि वटी में इसका प्रमुख योग है। पिछली बार हमने महामाशादि तेल बनाया था जिसका लिंक हम ऊपर डाल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही हम अपने नए ब्लॉग में।